पूरे देश में जहां कोयले की कमी होने के कारण बिजली पर बड़ा संकट बढ़ गया है, वहीं दूसरी तरफ यूपी के देवीपाटन मंडल में बिजली की कमी हो गई है। देवीपाटन मंडल के उतरौला क्षेत्र में बिजली की बड़ी किल्लत सामने निकलकर आ रही है। वहीं जनपद गोंडा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली की आपूर्ति देखने को मिल रही है। आपको बताते चलें कि पिछले कुछ महीने पहले नदी के कटान में दो टावर 220 मेगावाट के कटान के जद में आ गए हैं, जिसको लेकर बड़ी संकट का सामना झेल रहे हैं ग्रामीण के लोग। हालात अभी सुधरे ही नहीं, वहीं दूसरी तरफ से और बड़ी संकट उत्पन्न हो गई, जिस कारण बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो गई। कोयले की कमी के कारण उतरौला में जहां पहले 160 मेगावाट बिजली मिल रहा था, वहीं घटकर आज 25 मेगावाट मिल रहा है। कुंदुरखी में जहां 80 मेगावाट मिल रहा था, वहीं आज वर्तमान में आपूर्ति जीरो हो गया है। 4 लाख उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में 8 से 10 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। 3 दिन के भीतर कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हुई तो बिजली आपूर्ति पर संकट खड़ा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 220 केवी विद्युत उपकेंद्र सोहावल से 228 मेगावाट व स्वतंत्र बिजली आपूर्ति कर्ता कुंदुरखी उतरौला से 160 मेगावाट बिजली खरीद कर पूरा किया जाता है। फिलहाल उतरौला और कुंदुरखी से मात्र 25 मेगावाट बिजली मिल रहा है। इससे कुंदुरखी ने 80 मेगावाट बिजली देना बंद कर दिया है। उतरौला 80 मेगावाट के सापेक्ष 25 मेगावाट बिजली दे रहा है। बताया जा रहा है कि यहां 3 दिन का कोयला बचा है, यदि कोयले की आपूर्ति नहीं हुई तो बिजली प्रभावित हो सकती है। शहर में इतनी अधिक कटौती नहीं है, लेकिन गांव में 8 से 10 घंटे बिजली गुल रहती है। खासकर शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहती है। अधिशासी अभियंता रणवीर सिंह का कहना है कि बिजली आपूर्ति की संकट बना हुआ है, अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है, जल्द से जल्द किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। फिलहाल जितनी ज़रूरत है उतना बिजली आपूर्ति नहीं मिल रहा है। गोंडा से बलरामपुर श्रावस्ती व बहराइच जिलों को बिजली की आपूर्ति की जाती है। यहां के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती की जा रही है। समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो इन जिलों में भी बिजली आपूर्ति व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। मंडल में हमारा जो 220 केवी लाइन का कटान हो गया था, जो सोहावल से आती थी टावर नंबर 33 और 34 पे, तो उस वजह से हमको थोड़ा सा रात्रि में ग्रामीण क्षेत्र में कटौती करनी पड़ रही थी, लेकिन दिन में हम उसकी प्रतिपूर्ति करके पूरे घंटे दे रहे थे। आज भी लगभग स्थिति वही है। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मंडल की सप्लाई पे कोई बहुत ज़्यादा प्रतिकूल असर नहीं दिख रहा है। सर, आने वाले कल में क्या उम्मीद लगाई जा रही है कि बिजली की आपूर्ति कम होगी या सर स्थिर रहेगी? मुझे लगता है इम्प्रूव होगी, क्योंकि सरकार पूरी तरह से जागरूक है और इस चीज़ में संभव जो भी प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं।